Travis Kids. टूटा घड़ा। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अकेला रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर खेती करके उसका गुजारा चलता था। एक दिन रामू बाजार में खेत के लिए बीज खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर दो बड़े और सुंदर घड़ों पर पड़ती है। वाह, ये तो बहुत बड़े और गहरे घड़े हैं। नदी से पानी भरकर लाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेंगे। वैसे भी घर में रखे उस छोटे घड़े में बहुत कम पानी आता है। रामू बीज छोड़कर उन दोनों घड़ों को खरीद लेता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिल गई। कल से मैं हर रोज इन्हीं दोनों घड़ों में पानी भरकर लाया करूंगा। मुझे यकीन है इनका पानी मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। ये सब सोचते हुए रामू घर पहुंचता है। अगली सुबह वो एक डंडे के दोनों किनारों पर रस्सी की मदद से घड़ों को बांध देता है और वो नदी की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो एक कच्चे और बेजान रास्ते से होते हुए नदी के पास पहुंचता है और दोनों घड़ों को पानी से लबालब भर लेता है। वाह रे वाह, इतने सारे पानी से तो पूरे दिन का काम हो जाएगा। मजा आ गया, अब तो मुझे दो दिन तक यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। इसी खुशी में रामू पानी लेकर गाता गुनगुनाता घर की तरफ चलने लगता है। घर पहुंचकर वो जैसे ही घड़ों को जमीन पर रखता है, वो देखता है कि एक घड़े में पूरा और दूसरे घड़े में आधा पानी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि एक घड़ा फूट चुका है। ये घड़ा तो फूट गया। फूटे घड़े को देखकर रामू कुछ सोचने लगता है, तभी उसे एक तरकीब सूझती है। अरे फूटा हुआ है तो क्या हुआ, मेरे पास इसके लिए भी काम है। इसके बाद रामू दोनों घड़ों का पानी मिट्टी के एक बड़े बर्तन में पलट देता है और खेत में काम करने चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और रामू हर रोज दोनों घड़ों को लेकर नदी पर जाता रहता है। ये देखकर फूटे घड़े को खुद पर शर्म आने लगती है। मैं फूटा हुआ हूँ, ये बात पता होने के बाद भी मालिक रोज मुझे अपने साथ नदी पर लेकर जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। फूटा घड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी साबुत घड़ा फूटे घड़े से बोलता है। हे, तुम रोज आधा पानी रास्ते में ही गिराते हो और एक मैं हूँ जो रोज पूरा पानी नदी से घर तक लेकर आता हूँ। तुम्हारे जैसा बेकार आज तक मैंने नहीं देखा। साबुत घड़े की बात सुनकर फूटे घड़े को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब रामू घड़ों को उठाने आता है तो फूटा घड़ा रोते हुए उससे कहता है, मालिक मैं फूटा घड़ा हूँ, हमेशा आधा पानी गिरा देता हूँ, फिर भी आप रोज मुझे साथ लेकर जाते हैं। कृपया आज मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मैं आपकी मेहनत को और खराब नहीं करना चाहता। घड़े की बात सुनकर रामू उसे अपने हाथों में उठाता है और बोलता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छुपी अच्छाई को भी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी भी तुम में कोई कमी दिखाई नहीं दी। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, आपको मेरी जगह कोई दूसरा घड़ा खरीद लेना चाहिए। तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलो और नदी से वापस आते समय वहाँ खिले फूलों को देखना, मुझे भरोसा है उसके बाद तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे। रामू की बात मानकर फूटा घड़ा उसके साथ जाता है और नदी से वापस आते हुए सब कुछ भूलकर सिर्फ रास्ते के किनारे खिले फूलों को देखता रहता है। सुंदर फूलों को देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन घर पहुंचते ही अपने अंदर आधा पानी देखकर वो फिर मायूस हो जाता है।
मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अभी रास्ते में जिन फूलों को देखकर तुम अपनी कमी को भूल गए थे, वो फूल किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही उगाए हैं। हर रोज जब हम नदी से वापस घर आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस धरती पर गिरता है, जिससे उन फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम किसी काम के ही नहीं हो? तो उन्हें मैंने उगाया है। जब पहले दिन मैंने तुम्हारे अंदर आधा पानी देखा, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम फूटे हुए हो। इसलिए मैंने उसी शाम वहाँ फूलों के कुछ बीज बो दिए थे, और फिर रोज तुम अपने पानी से उनकी सिंचाई करते रहे। देखो आज वो बीज कितने सुंदर फूल बन गए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो बेजान रास्ता भी खुशनुमा हो गया है, और मेरी मदद भी हो गई। इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास थोड़ा अधिक धन आ जाता है। उस धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसलिए आज के बाद कभी खुद को बेकार मत समझना। रामू की बात सुनकर फूटे घड़े को अपनी अहमियत का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो खुद से प्यार करने लगता है और फिर कभी खुद को बेकार नहीं समझता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.